सरकार को हम बताना चाहेंगे कि ये जो घटना हुए है मणिपुर में, ये हमें लगता है कि ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है। ये एक संप्रदाय है जो मणिपुर में, वो हालांकि बहुत तगार में पिछले कुछ सालों से ये लोग हमारे जो पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, वहाँ से घुसे हैं। साथ साथ उनकी आर्म डूइंग्स संगठन भी है, जो इस बार ये लोग मिल के मणिपुर की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, तो उनको ऐसा लगा कि सिस्टमेटिकली उनको हटाया जाए। हमारी जो अभी ये प्रदर्शन जो है, ये हमने लिखा है कि SOS कॉल्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हम मैतेई कम्युनिटी से हैं और जो मैतेई जो है उसके जो परिस्थिति जो है वो दिन के बाद दिन बिगड़ते जा रहा है। तो किसी को जो मरने से पहले कुछ ख्वाहिश रख के जाते हैं, कुछ बोल के जाते हैं कि कोई सुने तो मेरे को बचा लें, यही हमारी आवाज़ है। आज हमने 3 पॉइंट्स रखे हैं। नंबर 1 जो रखे हैं, हम जो मैतेई कम्युनिटी जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे, ताकि हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंडर में हम जी सकें। नंबर 2, जो बाहर से विदेशी जो लोग आए हुए हैं और आज ये जो रायट्स हुए हैं, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ है, उनका जो जिम्मेदारी जो है, अगर हम NRC अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो दूध के दूध पानी के पानी निकल जाएगा कि कौन बाहर के लोग हैं, कौन ओरिजिनल हैबिटेंट्स लोग हैं। तब क्या होगा, हमें पता चलेगा ये जो बाहर के लोग जो है, इनका जो अभी ये दबाव रखे हैं तो ये नहीं टिकेगा। NRC की मांग भी कर रहे हैं, NRC लागू होना चाहिए, NRC लागू होना चाहिए मणिपुर में। ये हमारी 2nd पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है, मणिपुर में मेनली 2 इंडिजिनस कम्युनिटी है, एक तो मैतेई है, दूसरा जो है नागा भाई है। ये 2 जो है मणिपुर में एक इंडिजिनस कम्युनिटी की तरह हम लोग रह रहे हैं। इसमें हमने रखा कि प्रोटेक्ट, हमें बचाए, सुरक्षित रखे ये इंडिजिनस पीपल जो है अगेंस्ट एट्रोसिटीज, जो ये टाइम टू टाइम आप अगर इतिहास देखेंगे 1993, 1997 और अभी 2023 में ये जो बाहर के मुल्क से आए हुए ये कम्युनिटी यही अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एट्रोसिटीज जो है, इनके पास गन है, इनके पास ये जो मिलिटेंसी जो है, इसको रुके, ताकि ये इंडिजिनस जो कम्युनिटी है वो शांति से बसवास कर सके।